दीपक जी क्या कहना चाहेंगे, तुरो लल्ला मैया का म्यूजिक लॉन्च कर रहे हैं तन्वी मीडिया से, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? एक खुशी के मौके पे इतना जरूर कहूंगा कि एक नई शुरुआत की है मैंने म्यूजिक कंपनी की, और बड़े प्यारे भजन से शुरुआत हो रही है। कल जन्माष्टमी है और आज कृष्ण कृष्ण की बधाई का गीत शुरू लॉन्च किया है, और हमारा ध्येय है कि भोजपुरी भाषियों को एक उम्दा मनोरंजन मिले और सात्विक मनोरंजन जो परिवार परिवार में बैठ के देख सके, जो कोई अश्लीलता ना हो, कोई मॉडर्न बातचीत ऐसी ना जो अपने संस्कार के विरुद्ध हो, ऐसा मनोरंजन देने के पूरा प्रयास रहेगा। सर जैसे कि ये म्यूज़िक वीडियो लॉन्च भी हुआ है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है सर, बताएंगे ज़रा? क्या ये जो आपने भक्ति गाना जो लॉन्च किया है तन्वी मीडिया से यूट्यूब पे अपलोड हो गया, किस तरह का रिस्पांस अब तक मिल रहा है सर? आज सुबह में 6:15 बजे तो किया है। हाँ, तो रिस्पांस कैसा मिल रहा है ये अच्छा पूछा। रिस्पांस है। अच्छा, आप लोग को कैसा लगा? हमने तो सुना, हमको अच्छा लगा सर, लेकिन ऑडियंस की नहीं, तरह अच्छा रिस्पांस है, लोग खुश है, लोगों को अच्छा लग रहा है। जिससे जिससे बातचीत हुई, कईयों के फोन आए कि बहुत अच्छा लग रहा है, गाना अच्छा शूट हुआ है, अच्छा गाया गया है, शब्द बहुत मधुर है। सर कहाँ ये शूट हुआ है? संजान में, वृंदावन वाटिका स्टूडियो में। कितना कितना समय लगा सर? 16 घंटा। सर हाल ही में आपकी फिल्म एमएलए दर्जी का भी ट्रेलर रिलीज किया गया है, तो उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके का रिस्पांस आपको उसके थ्रू मिल रहा है? लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि अभी आगे क्या होगा। ये टीजर्स और ट्रेलर से वो लोग बड़े खुश है और बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि फिल्म कब रिलीज होगी। कल ही आपने अपना जन्मदिन मनाया, तो किस तरीके से आपने अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया सर? सुबह में जब मंदिर गए, भगवान का नाम लिया, फिर थोड़ा काम काज किया, और शाम को दोस्त और परिवार से के साथ जन्मदिन मनाया। तन्वी म्यूजिक के थ्रू और कौन कौन से कलाकारों को आप अपने साथ में जोड़ना चाहेंगे सर? जिसकी इच्छा होगी, हमारी तो खुली दुकान है, हम तो कलाकारों को बनाना जानते हैं, हर कोई कलाकार होता है, खाली प्लेटफॉर्म देना हमारा काम है। हमने सब जीरो में से हीरो बनाया, तैयार हीरो मार्केट से नहीं खरीदा कोई। सर इसमें ऐसे भक्ति गाने आएंगे या फिर लोकगीत भी रहेंगे? ये पूरा मनोरंजन का माध्यम रहेगा, संगीत रहेगा, बाकी मनोरंजन रहेगा, भक्ति भक्ति की चैनल नहीं है। इसके बाद सर क्या, इसके बाद अभी बात कर रहा हूँ लल्ला मियाँ रिलीज, इसके बाद क्या आने वाला है तन्वी म्यूजिक पे? अभी तक नक्की नहीं किया, बस अभी सांस खा रहे हैं, ये गाना शूट करके ही थक गए अभी आगे। ये हमारे संतोष सूरी वगैरह सब है ना, बहुत ढीले हैं, हमारी रफ्तार से भाग नहीं सकते। धीरू जी आप क्या कहना चाहेंगे तन्वी म्यूजिक के बारे में? देखिए, तन्वी मल्टीमीडिया जो पेरेंट कंपनी है तन्वी म्यूजिक की, उससे बहुत सारी फिल्में बनी है, लगभग 25-30 फिल्में बनी है, मार्केट में हिट फिल्में दी है। अब म्यूजिक की तरफ अग्रसर है, तन्वी म्यूजिक के रूप में कंपनी एक लॉन्च हुई है, बाबू जी की कंपनी, प्रयास यही है कि अच्छे गाने इस म्यूजिक कंपनी के थ्रू लोगों तक पहुँचाया जाए। और पहले गाने से हम लोगों ने शुरुआत किया है, ऑडियो और वीडियो सबका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो आगे भी यही रहेगा प्रयास कि हम ऑडियो वीडियो सब अच्छा ही करें, लोगों का मनोरंजन करें। सर फिल्मों के म्यूजिक भी आपकी तन्वी मीडिया खरीदेगी बाकी फिल्मों के? जी बिल्कुल, आगे प्लानिंग है, अभी ऐसा कुछ अभी तो अनाउंस नहीं कर सकते, बट प्लानिंग है इसकी, जो आपने पूछा है उसकी प्लानिंग है। इस फिल्म के जो लेखक है, सबसे पहले तो सभी मीडिया भाइयों को मेरा प्रणाम है, और बहुत अच्छा लगा। और तन्वी म्यूजिक तो बोलते ना, एल्बम तो मैं बहुत की, लेकिन इस कंपनी में काम करके दिल से खुशी हुई, और अपने आप को हम बहुत लक्की मानते हैं जो मुझे गुरु के रूप में धीरू सर और गॉड फादर के रूप में बाबू जी मिले, जो आज मुझे हम पर इतना ट्रस्ट किया और उन्होंने मुझे लीड लेके फिल्में किया, तो धन्यवाद बाबू जी। आगे आपकी कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं मैडम?
बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें कि दीपक किराना भंडार है, एमएलए दर्जी, हमको तुमसे प्यार है, बहुत सारी फिल्में हैं, महावर, पेपर बॉय, बहुत सारी फिल्में हैं। और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग सारी फिल्मों को हमारे ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देंगे। दीपक जी, तन्वी म्यूजिक लॉन्च करने का आपका मकसद क्या है? एक सात्विक मनोरंजन और कई कई चिराग रोशनी देने के पहले ही बुझ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जिस जो जो कलाकारों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है उनको चांस दिया जाए, फिर तो उनकी मेहनत और उनकी लगन और उनका नसीब उनको आगे ले जा सकता है, पर हम तो खाली प्लेटफॉर्म ही दे सकते हैं। जैसे कि ये इधर स्टार पे कौन सा शो आ रहा है, इंडियन आइडल जैसा कितनी टैलेंट बाहर आ गई वो शो आने से, एक लोगों को उत्साह आ गया, उतने बड़े पैमाने पे भी नहीं मगर एक छोटे पैमाने पे प्रयास जरूर है कि कोई नई टैलेंट निखर के बाहर आ जावे और कईयों की जो कला अंदर ही अंदर दब जाती है उसको एक आवाज़ मिल जावे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नए प्रतिभाओं को आपके द्वारा चांस दिया जाएगा। यस यस। तो आपसे अब तक कितने नए कलाकारों का कोई संपर्क हुआ है इस विषय में? नहीं, अभी तो 3 घंटे हो गए अभी तो नहीं। तो तन्वी मीडिया, तो तन्वी तो पहले से ही प्रेजेंट कर रहा है ना सर, फिल्में बनाते हैं, म्यूजिक तो आज लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, तो तन्वी मल्टीमीडिया से बहुत सारे नए कलाकार आए हैं और म्यूजिक कंपनी में हम लोग अभी इंटर किए 6:15 से, तो अब सिंगर लोग भी संपर्क में आएंगे और जो आएंगे उनको मौका दिया जाएगा, अच्छे रूप से हम उनको प्रेजेंट करेंगे और एस्टेब्लिश सिंगर हमारे साथ है उनसे अप्रोच करेंगे, उनके गाने आएंगे, नए लोगों को भी आएंगे, सब लोगों के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं भाऊजी, जिसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार, धन्यवाद। बहुत सारे नए टैलेंट्स हैं जिनको इन्होंने मौका दिया है, जिन पे ट्रस्ट किया है कंपनी ने, उसमें से एक मैं खुद हूँ। मुझे लगातार 4-5 फिल्में मैंने डायरेक्ट किया है और चांदनी जी है, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन पे कंपनी ट्रस्ट की है, उनको मेन लीड्स में जो सपोर्टिंग कर रहे थे उनको मेन लीड में, जो मेन लीड में थे उनको कंटिन्यू मेन लीड में, तो वही चीज़ हम लोग जो तन्वी मल्टीमीडिया सिनेमा में की है वही म्यूजिक में करने का आगे प्रयास है। सर, तन्वी जो आपने नाम रखा है तन्वी म्यूजिक, ये किसी के ऊपर है या किस तरह से? तन्वी क्या, तन्वी जो आपने नाम रखा है म्यूजिक कंपनी का, उसके पीछे कुछ वजह है क्या है? मतलब माय फर्स्ट ग्रैंडचाइल्ड तन्वी ने, एक पिक्चर की शुरुआत करने का, मैं तो भोजपुरी भाषी नहीं हूँ, मुझे भोजपुरी फिल्में है वो भी नहीं मालूम था। यश ने जब शुरू किया बोले कि फिल्म, तो फ़ोन आया एक दिन, बाबूजी कंपनी का नाम दीजिए, कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी। मैंने बोला दीपक नहीं नहीं वो तो आपका नाम हो गया कंपनी, तो मेरे दिमाग में तभी मेरी एक ही पोती थी, दोती थी, तो मैंने बोला चलो उसका ही नाम रख लो, तो करके तन्वी रखा। सर, तन्वी म्यूजिक में सिर्फ भोजपुरी फोकस करेंगे कि बाकी हिंदी गाने को भी फोकस करेंगे? अभी इतना सोचा नहीं, अभी तो फोकस भोजपुरी पे, आगे फिर क्या क्या प्रतिभाव मिलता है, प्रतिसाद मिलता है, उसके ऊपर सोचेंगे। क्या क्या सोच के रखा सर आगे फ्यूचर के लिए? कुछ नहीं, अभी तो नोट छापने का सोचा है। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक मिनट जो मैं कहना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आज तन्वी म्यूजिक बनी है, इससे पहले तन्वी मल्टीमीडिया था, तो यश मिश्रा जो एक्टर है, यश भाई मेरे तो बड़े भाई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बाबूजी को बोला कि बाबूजी एक फिल्म बनाते हैं, और उन्होंने तन्वी मल्टीमीडिया से पहली फिल्म बनाई और उनका ही शुरुआत किया हुआ है, जिस प्लेटफॉर्म पर आज हजारों लोगों को काम मिल रहा है, सबका घर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं नींव रखा हुआ उनका है, तो यश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे बड़े भाई हैं वो, उनकी वजह से आज रीजन कहीं ना कहीं वो है ताकि इस प्लेटफॉर्म पे हजारों लोगों का घर चल रहा है, और बाबू जी का तो नाम है दीपक, और दीपक का काम ही है रोशनी देना, तो लोगों को रोशनी दे रहे हैं, और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। आपने तो बहुत सवाल किया, एक सवाल मैं करता हूँ कि आप लोगों को एज ए ऑडियंस कैसा लगा गाना? अच्छा, हमें तो अच्छा लगा सर। अभी तो ऑडियंस ही है ना, बाद में रिपोर्टर है, पहले तो ऑडियंस ही है। हमने अभी सुना, आगे हमको अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली लोगों को भी अच्छा लगेगा।
और कुछ पूछना है चांदनी जी से तो आप लोग पूछ सकते हैं। दीपक जी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? राज भाई ऑडियंस से यही कहूँगा कि हम अच्छा खाना परोसेंगे, उसकी रुचि रखें और उसको सराहें। जो अभी तक जो गंदगी आई हुई है और कुछ अच्छा हम परोसने की कोशिश करें उसको सराहें। सर आपकी जो फिल्में हैं उनके टाइटल बड़े यूनिक होते हैं, इसकी क्या वजह है? हम खुद ही यूनिक है तो मैं प्रोड्यूसर ऐसा हूँ जिसको भोजपुरी भाषा नहीं आती थी, फिर भी भोजपुरी का काम शुरू कर दिया मैंने। अभी थोड़ी बहुत आने लगी है मुझे, क्योंकि गालियाँ बहुत देते हैं ये लोग मुझे। मैंने बोला कि समझना जरूरी है ये भाषा। मैडम इसमें काम करके कैसा लगा आपको? हाँ आपसे एल्बम अच्छा ही बोला मेरे बारे में। बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि हमेशा काम करती रहूँ तन्वी म्यूजिक में, और एल्बम हो चाहे फिल्म हो, चाहूँगी कि बाबूजी हमें हमेशा याद करें। और पहला गाना हमारा रितेश जी का है, आज वो आ नहीं पाए, आने वाले थे, उनकी शूटिंग चल रही है फिल्म की, इस वजह से वो आ नहीं पाए, बट उन्होंने वीडियो कॉल पे विश किया है और बहुत अच्छा उन्होंने गाया है गाना, दिल से उनको धन्यवाद, और मुझे उम्मीद से बेहतर उन्होंने गाना गाया है। और आगे हम लोग उनके और भी गाने प्लान कर रहे हैं, फिल्म प्लान कर रहे हैं, और कंपनी में हमारे एक और एक्टर हैं जो राज यादव, जो हमारी कंपनी से इनकी फिल्म अभी तुरंत आने वाली है जो मैंने बनाई है, हमको तुमसे प्यार है। राज भाई से ज़रा मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताइए। और बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप सबके बीच में आने का मौका मिला है। जोर से बहुत खुशी की बात यह है कि तन्वी म्यूजिक लॉन्च हुआ आज, और बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने बहुत सारी फिल्में पहले बनाई हुई है, और इस बैनर के अंदर मैंने काफ़ी सारी फिल्में की है जिसमें एक बहुत खूबसूरत फिल्म है हमको तुमसे प्यार है, और उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं हीरोइन चांदनी जी हैं, और मैंने काफ़ी सारी फिल्में बाबूजी के अंडर की हुई है, सलाखें हुई, देसी बॉय हुई, और तमाम फिल्में हैं। तो अभी इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है तन्वी म्यूजिक, और बहुत अच्छे अच्छे गाने इसमें आने वाले हैं, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है हम सिंगरों को भी अच्छा मिलेगा। तो अभी मैंने कुछ गाने बाबूजी के लिए किया हुआ है इसमें। आपकी फिल्म का पोस्टर आउट हुआ है अभी कुछ दिन पहले जी, तो ये तन्वी मल्टीमीडिया की फिल्म है, तो क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबूजी का और धीरू सर का जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है, और साथ में चांदनी जी हैं, तो बहुत अच्छी पोस्टर अच्छा वायरल हुआ है, पोस्टर अच्छा जो फर्स्ट लुक आया बहुत अच्छा मतलब लगा सबको, सबने बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया। कहाँ इसके बाद क्या करना, क्या 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 है आपका आने वाला, क्या क्या अभी आने वाली बहुत सारी फिल्में हैं, अभी सलाखें आ रही हैं, और देसी बॉय है, हमको तुमसे प्यार है, बंधन जन्म जन्म के काफ़ी सारी फिल्में, शादी के लड्डू, हाँ शादी के लड्डू है। फिल्म के कहानी के बारे में बात करें, जो हमको तुमसे प्यार है उसके बारे में बताइए सर, क्या कहानी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? अब टाइटल से समझ में आ जाता होगा कि रोमांटिक फिल्म है, हमको तुमसे प्यार टाइटल है, तो बहुत अच्छी कहानी है और एक पारिवारिक कहानी है, तो आप लोग को देख के मज़ा आएगा। धीरू जी का नाम लिए है तो उनके डायरेक्शन में काम करके कैसा लगा? अब तक मैंने जितनी फिल्में की है मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं ये, टॉप वन में आते हैं, बिकॉज कि इनके अंडर जो मैंने काम किया वो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मुझे बहुत सारी चीज़ें सर ने मुझे सिखाया कि ये ऐसा होता है, ऐसा करो ऐसे करो, और काफ़ी सारे मतलब जो जितने अब तक मैंने जितना काम किया है तो अच्छा लगा इनके साथ काम करके। चांदनी जी राज जी के साथ काम करके कैसा लगा था? उनके साथ साथ पहली फिल्म तैयार की है, हाँ तो कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, इसलिए हम लोग देसी बॉय की हैं, सलाखें की हैं, राज जी के साथ मेरी तीन फिल्म हो गई, बहुत अच्छा लगता है काम करके। क्या कहना चाहेंगे तन्वी म्यूजिक के बारे में आप पब्लिक से, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे जो हमारे सभी जितने भी हमसे प्यार करते हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट है हमारा कि आप लोग तन्वी म्यूजिक को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं एल्बम बहुत कम कर रही थी अभी, बट आप लोग को तन्वी म्यूजिक से हमेशा हमारा एल्बम देखने को मिलेगा। थैंक यू। गाना का जहाँ तक विषय है, हम लोग तो कुछ नहीं लिखते हैं, सब ऊपर वाला देता है, और कृष्ण भगवान भजन का जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है वो अपने आप निकलता है, एक भक्ति भाव से निकलता है, और वो शब्द कहाँ से आते हैं पता नहीं है, लेकिन आते हैं अगर सही श्रद्धा हो आपकी, और कंपोजिशन ये सब साथ में ही निकलता है मेरा। और बाबूजी ने पूरा मतलब वो दिया था, हम लोग को सपोर्ट किया कि अच्छा काम कीजिए कंपनी के लिए। तन्वी म्यूजिक जो है एक ऐसा कदम
उठाने जा रही है म्यूजिक इंडस्ट्री में कि एक अलग ही जोन और एक अलग तरह का स्वच्छ मनोरंजन आप लोग के सामने पेश करेगी तन्वी म्यूजिक। चांदनी जी आप